मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि एक मिनट में और सिर्फ 5 रुपए में एक इतना गंदा किचन कैसे साफ हो सकता है। ध्यान से देखिए, इस किचन को, बहुत ही गंदा किचन है, क्योंकि 15-20 दिन तक ये किचन साफ नहीं हुआ है और इसमें खाना बनाया गया है। आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ कि कैसे किचन बिल्कुल गंदा है, और आपको मैं साफ किया हुआ किचन भी दिखाऊंगी। आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और इस तरीके को यूज़ करके मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने जो ये नया फॉर्मूला आपको बताया है ये कितना कामयाब रहा या नहीं रहा। मेरा तो बहुत कामयाब रहा है फ्रेंड्स, तो आप भी इस फॉर्मूले को यूज़ करिए और बताइए कमेंट्स में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको कोई भी नई चीज़ खोज करके दिखाने की कोशिश करती रहती हूँ। हमने गैस पर एक बड़े भगोने में पानी रख दिया है, तब तक ये गर्म हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि इस बड़े भगोने में हमने जो पानी लिया है ये गर्म करना है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं करना है कि हाथ जल जाए। अच्छा गर्म कर लेंगे पानी को, हमने सिरका लिया है। सिरका कहीं भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाता है और लगभग 25 रुपए में एक बड़ी बोतल आ जाती है। इस बोतल से हम पूरे महीने के बर्तन, बहुत सारे गंदे बर्तन, जितने भी हमारी किचन में गंदे बर्तन हैं, फर्श हैं, वो सब साफ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मैंने कितना सिरका इसमें मिलाया है। आप देखते रहिए, मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच भर के सिरका इस पानी में डाल दिया है। अब मैं, हमने लिया है एरियल का फ्रंट लोड वॉशिंग सर्फ आता है, जो हम कपड़े धोने में काम में लेते हैं, वो सर्फ हम इसमें एक बड़ा चम्मच डालेंगे। अगर आपका किचन बहुत बड़ा है तो आप 2 बड़े चम्मच सिरका और 2 बड़े चम्मच एरियल फ्रंट लोड का सर्फ ले लीजिए। दोनों को पानी में मिक्स करना है और पानी में मिक्स करेंगे। देखिए, ये है एरियल फ्रंट लोड का सर्फ। तो मैंने ये लगभग 1 बड़ा चम्मच इस पानी में डाल दिया है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये पानी गर्म हो चुका है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस केवल इस फॉर्मूले से, इस 5 मिनट के फॉर्मूले से और 5 रुपए के फॉर्मूले से आपकी किचन हमेशा जगमगाएगी। अपने और जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी उनमें इसी तरह की हमेशा नई जानकारी इंडिया सर्च करें के चैनल में मैं आपको दिखाती रहती हूँ, तो आप हमेशा बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हेल्थ और फूड, होम, टेबल, सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी नई आइटम हैं, इनक्रेडिबल आइटम्स हैं, मैं हमेशा आपको सबसे पहले दिखा सकूं। देखिए, बर्तन साफ होने शुरू हो गए हैं। लाइट नहीं है इसलिए मैं आपको अंधेरे में सही नहीं दिखा पा रही हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, लाइट नहीं है, तो ये आप देखते रहे हैं कि बर्तन साफ किए जा रहे हैं। जो हमने पानी बनाया था, घोल बनाया था गैस पे भगोने में, उससे हमारी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। आप देख सकेंगे इस वीडियो में, देख लीजिए कि बिल्कुल साफ़ किचन आपको नज़र आएगी।
और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस जानकारी को जनहित के लिए ही सही सब जगह स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि जो भी विम वगैरह हमारे यहाँ आ रहे हैं, मुझे उनकी क्वालिटी में बिल्कुल भी भरोसा और विश्वास नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसे आप सिरका, पानी और सर्फ मिला करके अपना क्लीनर बना करके भी रख सकते हैं किचन में। एक बोतल में भरकर आप रख लीजिए, और हमेशा जैसे ही आपके चिकने गाढ़ी चिकनाई वाले बर्तन हो, थोड़ा सा आप लीजिए और उसे साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क नज़र आता है। आप प्रैक्टिकली ये तरीका यूज़ करके देखिए और आप फिर खुद पाएंगे कि